हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स. आई एम विशाल शर्मा. टुडे अगेन वी विल डिस्कस टेक्निकल चार्ट एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो. और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करो और शेयर भी जरूर कर दिया करो. ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का 1 आवरली चार्ट है. इससे पहले मैं आपको ट्रेंड लाइन के साथ बैंक निफ्टी का एनालिसिस करके बताता हूं. ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये ट्रेंड लाइन के साथ बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस है. जैसे कि मैंने अपनी कल की बैंक निफ्टी की एनालिसिस की वीडियो में भी आपको शेयर किया था कि यहाँ पर एक स्लो मूवमेंट था और उसके बाद ये कैसे एक बीरिश पैटर्न बन रहा है जिसको हम इवनिंग स्टार कहते हैं. ये जो कैंडल बनी थी ये एक बीरिश कैंडल बनी थी और उसके बाद से कॉन्टिन्यू बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में चलता जा रहा है. और आज मैंने मॉर्निंग में लाइव में भी वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने क्लियरली आपको लेवल्स बताए थे और उस टाइम मार्केट जो चल रही थी 32230 पर. और उस टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर 32000 का अगर लेवल, इट मीन्स 32200 का अगर लेवल ब्रेक डाउन होता है तो आपको नीचे के लेवल 32000 तक आपको देखने मिलेंगे. मीन्स 32000 तक आपको लेवल देखने को मिलेंगे और वही आज देखने को हमें मिला. जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ब्लैक लाइन की लाइन है, ब्लैक कलर की लाइन है, ये मैंने आपको बताया था कि ये एक सपोर्ट का काम कर सकती है. लेकिन यहाँ पर भी देखो, सपोर्ट का काम नहीं किया और इसके नीचे हमें क्लोजिंग देखने को मिली. और इसका जो नेक्स्ट नियरेस्ट जो इसका सपोर्ट का काम है वो है 31890. अगर ये भी ब्रेक हो जाता है कल की डेज में तो हमें और नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं और एक नया डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है. लेकिन अगर कोई न्यूज, पॉजिटिव न्यूज कुछ नहीं आता तो ये बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में मूव कर सकता है अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए तो. दोस्तों, मैंने अपने टेलीग्राम में भी पोस्ट कर दिया था कि मॉर्निंग में कि आप बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हैं एक स्मॉल रिस्क के साथ. और जहां से हमने सेल सिग्नल दिया था और उसी के बाद से कंटिन्यू बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में चलता गया और क्लोजिंग तक भी डाउन ट्रेंड में ही चलता गया. और मैं उम्मीद करता हूं कि जिन ट्रेडर ने सेल साइड में आज पोजिशन बनाई थी उनका आज बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा. अब हम डिस्कस कर लेते हैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस और पिवट पॉइंट के लेवल के बारे में. मैंने कल भी इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, अभी एक ब्रीफ में बता देता हूं. यहां पर जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये 32200 का लेवल था जो ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद से कंटिन्यू बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में चलता गया. ये एक जो पहले रेजिस्टेंस था ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था, लेकिन ये आज टूटने के बाद डाउन ट्रेंड में चलते गए बैंक निफ्टी. और इसका अगर नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा, अगर ये कंटिन्यू फर्दर ऐसे ही मूव डाउन ट्रेंड में चलता रहता है तो ये 31400 के आसपास हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है. अभी हम डिस्कस कर लेते हैं वीकली चार्ट. ये जो आप देख पा रहे हैं ये वीकली चार्ट है, ये वीकली कैंडल है. जो लास्ट वीकली कैंडल बनी थी ये आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बनी थी, लेकिन जो इस वीक की कैंडल बन रही है वो एक रेड कैंडल बन रही है. लेकिन इसके साथ आप यहां पर देख सकते हो कि ये पिछली वाली कैंडल को इनगल्फ कर रहा है. मीन्स इसने पिछली वाली कैंडल का से ऊपर हाई बनाया था और अभी तक उसका ब्रेक डाउन नहीं किया. अगर कल भी ये उसके नीचे जो ये लेवल है पिछली वीकली कैंडल का, ये अब आपको बता देता हूँ. इसका ये लो लेवल है 31897. अगर इसके नीचे अगर हमें कल क्लोजिंग देखने को मिल जाए तो हम नेक्स्ट वीक के लिए इसमें फर्दर भी सेलिंग आ सकती है. लेकिन अगर ये कल अगर हमें इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली तो हम फिर आगे का नेक्स्ट हम उस हिसाब से अपना व्यू चेंज कर लेंगे. अब हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर का आवरली चार्ट. 1 आवर का ये चार्ट है. इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें मैंने आपको बता देता हूँ कि इसमें ये अपना वॉल्यूम कैंडल्स हैं
और इसमें मूविंग एवरेज है, एक तो ये 8 डेज की है और दूसरी है 21। जो आप ब्लैक कलर की लाइन देख रहे हैं ये 8 डेज की है और ये 21। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बुलिश ट्रेंड हमें देखने को मिला था, ये मिला था हमें। अगर हम इस चार्ट के हिसाब से बात करें, अगर इस मूविंग एवरेज के हिसाब से बात करें, तो यहाँ ये पहले नीचे डाउन ट्रेंड में चल रही थी मूविंग एवरेज 8 डेज की, ये जब ऊपर की साइड इसने क्रॉस किया है 21 को और ये ऊपर की साइड चलना स्टार्ट हुई, तो और कंटिन्यू चलती गई चलती गई। ये 12 दिसंबर, 12 दिसंबर की बात है, उस दिन से हमें कंटिन्यू बुलिश ट्रेंड को देखने को मिला था। यहाँ पर ये सपोर्ट का काम कर रही थी 21 डेज की और यहाँ से फिर से ये, लेकिन अभी हम लास्ट 7 ट्रेडिंग सेशन से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर स्लो मूवमेंट थी और इसी के बाद जैसे ही आज इसने अगेन 9 डेज 8 डेज की एवरेज मूविंग एवरेज डाउन साइड में चलने स्टार्ट हुई और 21 डेज की मूविंग एवरेज अपर साइड में चलने स्टार्ट हुई, तो वैसे ही हमें यहाँ पर एक बीरिश ट्रेंड देखने को मिला और सेलिंग देखने को मिली बैंक निफ्टी में, और वहां से कंटिन्यू इंट्राडे में बहुत तेजी से हमें सेलिंग देखने को मिली और कंटिन्यू जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एमएसईडी इंडिकेटर और ये आरएसई इंडिकेटर है। एमएसईडी में भी हमें यहाँ पर सिग्नल मिल गया था, ये हमें सिग्नल मिल गया था 18 दिसंबर को, बट हमें श्योरली कंफर्म नहीं था मूविंग एवरेज के हिसाब से। उसके बाद धीरे 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 ये कंटिन्यू यहाँ पर भी सिग्नल मिल गया था एमएसईडी में, और नीचे जो लाइन्स है डाइवर्जेंस लाइन्स ये भी नीचे की साइड थी और ये कंटिन्यू नीचे की साइड, और जब हमें यहाँ पर कंफर्म मिला तब हमने यहाँ पर ट्रेड किया और नीचे की साइड सेल किया हमने। वैसे ही एमएसईडी में मैंने जैसे आपको कल की वीडियो में बताया था कि ये 50 यहाँ पर ओवरसोल्ड 50 का लिया है मैंने, और ओवरबाउट 50 और ओवरसोल्ड 40, तो जैसे ही यहाँ 50 के नीचे अगर ये जाएगा तो अब हम उसके बाद से हम सेलिंग कर सकते हैं। तो आरएसई जब 50 के नीचे हमें इंडिकेट करे तो हम उसमें सेलिंग कर सकते हैं, और जैसे ही नीचे की साइड चलता गया और 40 के नीचे हमें और भी कन्फर्म हो गया, तो उसके बाद से हमें कंटिन्यू सेल साइड आपको बैंक निफ्टी देखने को मिला। अगर आप बैंक निफ्टी की मेरी कंप्लीट चार्ट एनालिसिस देखना चाहते हैं मंथली वीकली हावरली वॉल्यूम और ट्रेंड लाइन के साथ, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा जो मैंने कल वीडियो बनाई थी। अगर आप उसको भी देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा स्टडी और लर्निंग दिस लर्निंग देखने को मिलेगी। कल वाली वीडियो देखने के बाद आप बैंक निफ्टी में अच्छे से लर्निंग कर सकते हैं और अच्छे से उसमें स्टडी कर सकते हैं। तो साथ में मैं यहाँ डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा कि मेरा यह बैंक निफ्टी में कोई बेल सेल और बाय सिग्नल नहीं है, ना ही कोई मैं आपको बाय और सेल करने के लिए बोल रहा हूँ। आप अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें किसी भी पोजिशन को बनाने से पहले। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूं, और अगर आप किसी स्टॉक पर वीडियो अगर आप बनाना चाह अगर आप देखना चाहते हो, या आप किसी स्टॉक पर चार्ट एनालिसिस करना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और प्लीज अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स।